हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशन का नेक्स्ट लेक्चर है ये। होपफुली ये रोटेशन नहीं है, पूरा पूरा मैकेनिक्स का सारा प्रॉब्लम हम लेके आ रहे हैं इसमें। तो ये समझिए कि पूरा मैकेनिक्स है, इसमें आपको सेंटर ऑफ मास भी मिल जाएगा। यानी कि अब कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो एक पर्टिकुलर चैप्टर का नहीं होगा, मतलब अब जो भी प्रॉब्लम होगा वो मिक्स टाइप प्रॉब्लम होगा। वैसे भी आईआईटी जेई का प्रॉब्लम जो भी होता है मिक्स ही होता है, और ये प्रॉब्लम 1993 में ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको ये सेंटर ऑफ मास का भी कंसेप्ट इसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज अ कैपिटल एम विथ सेमी सर्कुलर सेमी सर्कल, जो कि आपको दिख रहा है कि ये सेमी सर्कल टाइप स्ट्रक्चर है। सो इट बिहेव्स लाइक ए सेमी सर्कल। सो ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम, तो इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है। ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम विथ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ इट्स रेडियस दैट इज कैपिटल आर। तो ये आपका क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ मास दैट इज कैपिटल एम विथ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस कैपिटल आर रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस दैट इज स्मॉल आर। तो ये आपका है यूनिफॉर्म सिलेंडर, यूनिफॉर्म सिलेंडर, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास दैट इज स्मॉल एम, तो इसका मास भी आपका स्मॉल एम है, इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए द सिलेंडर स्लिप्स ऑन सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक। हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड when cylinder reaches at bottom point that is B। तो ये आपका bottom point B है और ये आपका क्या है, A है of the track। और यहां से आपसे पूछ रहा है कि how fast block moving when cylinder reaches at bottom of the track। अब ध्यान से देखिए, जब ये बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा तो ये, हालांकि ये रोटेशन का कंसेप्ट इसमें है नहीं, ये आपका सारा का सारा आपका क्या आ जाएगा, कॉलिजन का भी आप समझ सकते हैं इसको। एफ एक्सटर्नल इसमें जीरो है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें रोटेशन का हम यूज करेंगे, एफ एक्सटर्नल जीरो, वरना ये प्रॉब्लम रोटेशन का है ही नहीं। तो अब कह रहे हैं ना कि पूरा पूरा मैकेनिक्स टाइप प्रॉब्लम रहेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर चैप्टर से बिलोंग करे अब कोई जरूरी नहीं, आप जितना भी प्रॉब्लम रहेगा सारा प्रॉब्लम अब मिक्स टाइप कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा बात है कि ये जो सीरीज है ये आपका इसी मंथ में खत्म हो जाएगा, जनवरी टू फेब में, तो इसको हम इसी में कवर कर लेंगे। तो आइए हम देखते हैं, यानी फुल मैकेनिक्स पे कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। तो ये जो ब्लॉक है इसका मास आपको कैपिटल एम दिया हुआ है, और एक इसमें सेमी सर्कल है जिसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, रेस्ट ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस, यानी ये जो है रखा गया है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये रखा गया है, यानी ये कुछ ऐसा है, तो ये रखा गया है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस पे। ये आपका है हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस, ए यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड मास स्मॉल एम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट टॉप ऑफ ए द सिलेंडर स्लिप्स ऑन सेमी सर्कुलर फ्रिक्शनलेस ट्रैक। हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड when cylinder reaches at bottom B of the track, how far। आइए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो इसमें
ये प्रॉब्लम हालांकि थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का है, रोटेशन का नहीं, तो इसीलिए हम बोले कि पूरा मैकेनिक्स वाला ये प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है एफ एक्सटर्नल जीरो, यानी इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, सो एफ एक्सटर्नल दैट इज जीरो। तो जब इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तभी चेंज करता है जब उसका COM सेंटर ऑफ मास चेंजेज इफ एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बॉडी। लेकिन इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, और नीचे वाला सरफेस आपको क्या दे दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और इस टाइप से स्ट्रक्चर दिया हुआ, और ये ए पॉइंट है, और बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तब क्या क्या बताइए, सो कितना दूर चला जाएगा, वही पूछ रहा है कि हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड फ्रॉम सिलेंडर रीचेस एट द बॉटम बी। जब ये बॉटम बी तक पहुंचता है, हाउ फार रीचेस एट द बॉटम बी ऑफ द ट्रैक, और लास्ट में पूछ रहा है कि हाउ फास्ट, यानी कि आपको वेलोसिटी भी आपको बताना है और आपको डिस्टेंस भी बताना है। तो वही पूछ रहा है कि हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड फ्रॉम व्हेन द सिलेंडर रीचेस एट बॉटम बी ऑफ द ट्रैक, हाउ फास्ट ब्लॉक मूविंग व्हेन द सिलेंडर रीचेस एट बॉटम ऑफ द ट्रैक। तो ये आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इसका सेंटर ऑफ मास कितना, मतलब कि सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, भले ये आगे पीछे ये एक्सटेंड करे लेकिन सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। फिर भी ये इसका ये जितना आगे फोर्स लगा इसके वजह से ये पीछे, सिंपल सा बात है, ये आगे जाएगा तो इस पे फ्रिक्शन के वजह से ये पीछे स्लाइड करेगा। तो ये जो आपको दिया हुआ है कि सिलेंडर स्लिप्स ऑन सेमी सर्कल फ्रिक्शनलेस ट्रैक, यानी ये भी आपका जो ट्रैक है ये भी आपका क्या है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि फ्रिक्शन का इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल जीरो है, जिसके वजह से इसका सेंटर ऑफ मास, यानी ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, ऐसा समझिए कि इन दोनों, यानी कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, एक कैपिटल एम है और दूसरा स्मॉल एम है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, यानी कि ये सेंटर ऑफ मास अगर हम बात करें तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करने वाला है, यानी मतलब पूरा सिस्टम, यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम का सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं करने वाला है। क्यों नहीं, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा है एफ एक्सटर्नल वो जीरो है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ फार हैज ब्लॉक मूव्ड व्हेन द सिलेंडर रीचेज एट द पॉइंट बी ऑफ द ट्रैक, हाउ फास्ट द ब्लॉक मूविंग व्हेन द सिलेंडर रीचेज एट बॉटम ऑफ द, तो ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कुलर है, तो इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, तो यहां से अगर हम देखें तो एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से अगर हम बात करें तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से आपका वैल्यू कुछ ऐसा आएगा इस सिस्टम का, यानी इसका अगर हम मास करें, यानी कि ये स्मॉल ऑब्जेक्ट का, यानी सेंटर ऑफ मास COM ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट ये कितना से आगे शिफ्ट होगा, तो ध्यान से देखिए, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, x1 यानी सेंटर ऑफ मास, अगर इसका हम बात करें तो यहां से आपका आ जाएगा m1 यानी कि स्मॉल m इंटू सेंट्रल, ये आप लिख लेते हैं सेंटर ऑफ मास COM, सेंटर ऑफ मास इसका कितना से चेंज करेगा, तो m1 इंटू x1 प्लस m2 इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या लगेगा, इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। अब ध्यान से देखिए, m1 x1 प्लस m2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाय
स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स वन सी एम आ जाएगा, यानी कि ये यहां से शिफ्ट कितना से करेगा, तो इसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। अब इसको लगेगा कि ये रुका हुआ है, अब जिस भी मीडियम में हम जाते हैं तो हमको लगता है कि वो मीडियम रुका हुआ है। सो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक, अगर इसके रिस्पेक्ट में हम बात करें तो ये क्या है, रुका हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सो कैपिटल एम, कैपिटल एम इसलिए क्या लगेगा, इसलिए हम बात कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक यानी कैपिटल एम। तो जब भी हम किसी भी मीडियम में जाते हैं तो याद रखिएगा ये आपका क्या है, रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन, कि आप जिस भी मीडियम में मूव कर रहे होते हैं वो मीडियम आपको क्या लगेगा, रुका हुआ लगेगा, यानी कि वो लगेगा आपको रेस्ट पोजीशन पे लगेगा। तो अभी हम निकाल रहे हैं सेंटर ऑफ मास किसका चेंज करेगा, यानी कि इस स्मॉल सब ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास दैट इज एक्स वन, तो ये एक्स वन से चेंज करेगा तो इसको क्या लगेगा, क्योंकि ये आप ये सेमी सर्कल इसका रेडियस आपको कैपिटल आर दिया हुआ है, वो उसको लगेगा कि रुका हुआ है, हालांकि वो भी मूव कर रहा है, लेकिन जिस भी मीडियम में आप जाते हैं वो मीडियम आपको क्या हो जाता है, रुका हुआ। तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, यानी ये प्रॉब्लम रोटेशन का तो है ही नहीं, ये प्रॉब्लम टोटल सेंटर ऑफ मास का है, सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास का। फिर भी हम देखते हैं इसको क्योंकि हम पूरा मैकेनिक्स पार्ट को फोकस कर रहे हैं, तो यहां से आपका आ जाएगा एम वन स्मॉल एम इंटू एक्स, एक्स वन डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, सी ओ एम एक्स वन, तो ये आपका आ गया यहां से वैल्यू। अब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास स्मॉलर ऑब्जेक्ट का, अब हम बिगर ब्लॉक का हम बात करते हैं कि इसका चेंज कितना से करेगा, तो इसका इतना से चेंज किया और x1 का वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, ये टोटल कैपिटल R है, ये आपको क्या दिखेगा, सिंपल सा बात है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां है और इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, तो इस पॉइंट को अगर हम वन देते हैं, लेट्स दिस इज वन एंड दिस इज टू, तो इसके बीच में ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप ओके, ये अगर x2 से जाएगा तो ये भी x2 से जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, इस रिस्पेक्ट में जीरो होगा क्योंकि इनिशियली इसका दो पोजीशन बनेगा, एक तो ये इनिशियल पोजीशन है और एक फाइनल पोजीशन भी बनाते हैं, जब ये आगे जाएगा इट्स टेंडिंग टू दिस वे, सो कैपिटल एम विच इज टेंडिंग टू दिस वे, यानी ये अगर लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा राइट जाएगा, और ओवरऑल सेंटर ऑफ मास, ओवरऑल जो सेंटर ऑफ मास होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि उस पे एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है, इसलिए ओवरऑल, तो इनिशियल कंडीशन कुछ ऐसा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस पोजिशन पे आके रुक जाएगा, ये इस पोजिशन पे आके रुक जाएगा, उसके बाद फिर ये पीछे जाएगा, तो जब ये आपका इनिशियल पोजीशन है यानी कि t इक्वल टू जीरो पे है, तो आफ्टर टाइम t इट्स पोजीशन चेंजेस, और चेंज करके इसका पोजीशन कुछ कैसा बन जाएगा, क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है तो ये आगे शिफ्ट होगा और s टाइप से इसका पोजीशन बन जाएगा, ये आपका फ्रिक्शनलेस है, और यहां से अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, इस टाइप से ये मोशन करेगा, और ये तब तक इधर लेफ्ट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जाएगा, और ये जो पोजीशन है ये कुछ यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और यहां से अगर ये आपको x एक्सिस लेते हैं, सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस पर्टिकुलर इज y एक्सिस, दिस पर्टिकुलर इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, तो यहां पे क्या होगा,
ये आपका कुछ ऐसा आएगा और ये वी वेलोसिटी से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा जब ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, ओवरऑल की बात अगर करें तो ओवरऑल अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो वो चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी एफ एक्सटर्नल इन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस में जो भी बात करें तो ये कांस्टेंट है, हालांकि वाई एक्सिस में भी फोर्स नहीं लग रहा है तो उधर भी कांस्टेंट होगा, लेकिन मोशन जो है एक्स एक्सिस में हो रहा है तो बात इसलिए हम एक्स एक्सिस की कर रहे हैं, हालांकि फोर्स जो है वाई एक्सिस की तरफ भी कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास वहां भी शिफ्ट होगा, लेकिन हम बात अभी सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ कर रहे हैं, यानी कि दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स। तो क्या होगा जब ये आगे शिफ्ट होगा, तो इधर ये आगे जाएगा तो पूरा हॉल ऑब्जेक्ट यानी जिसका कैपिटल एम मास है ये यहां पे शिफ्ट होगा, और ये जब आगे जाएगा तो इसको पीछे जाना पड़ेगा, और ये अगर आगे जा रहा है तो ध्यान से देखिएगा तो ये पीछे जाएगा, जब पीछे जाएगा तो इधर इसका सेंटर ऑफ मास सपोज दैट एक्स टू से शिफ्ट हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए इसके वजह से ये आगे जा रहा है, कितना से जा रहा है, एक्स वन से जा रहा है, ये एक्स वन से आगे जा रहा है और ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा कितना से पीछे जाएगा, तो सपोज डेट ये जो एक्सिस है इसको हम अगर ओरिजिन ले ले, यानी कि इस पोजीशन को टेकन एज ओरिजिन, इसको अगर लेट्स दिस पी पॉइंट, इस पी पॉइंट को अगर हम ओरिजिन ले ले, ये पी पॉइंट को टेकन एज ओरिजिन, यानी कि डिस्टेंस हम कहां से ले रहे हैं, इसको 0.0 ले ले रहे हैं, तो डिस्टेंस हम यहां से ही ले रहे हैं, तो जब यहां से अगर ले रहे हैं तो क्या है, यहां से इसका डिस्टेंस तो ये इधर था और ये शिफ्ट, ये ओरिजिन आगे हो जाएगा और ये आपका एक्स टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बार जो है ये पीछे जाएगा, यानी कि स्मॉल ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है तो ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो तो फिक्स है, तो अगर ये आगे जा रहा है तो इसे पीछे तरफ जाना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास एक फिक्स पॉइंट पे ही रहे, यानी ओवरऑल सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज नहीं है, यानी ये सरफेस भी फ्रिक्शनलेस है और ये भी सरफेस आपको फ्रिक्शनलेस दे दिया है, तो जब ये फ्रिक्शनलेस है तो यहां पे अगर हम बात करें तो ये अगर राइट साइड शिफ्ट होगा तो उतने ही से ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका एक्स टू हो जाएगा, तो ओवरऑल चेंज नहीं होना चाहिए, जो भी चेंज हो रहा है वो पार्शियल चेंज है, तो ध्यान से देखिए M1 X2 तो ये पीछे X2 से शिफ्ट हो गया, तो ये आपका आ जाए, अगर हम बात करें सिस्टम की, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर की नहीं, अब हम बात करते हैं सिस्टम की, हालांकि स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लस कैपिटल मतलब बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो है दोनों को ऐड भी कीजिएगा तब भी आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये बड़ा वाला है और स्मॉल वाले के लिए हम क्या लाए थे, जैसे भी बात करें COM ऑफ स्मॉल वाले के लिए भी हम बात किए थे तो उसका क्या आया था M1 X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस X2, तो इनिशियल बड़ा वाला रुका हुआ था तो इसीलिए हम क्या किए थे कैपिटल M इंटू जीरो या उस फेज में था, तो ये आपका आ रहा है इनिशियल, आप ऐसे भी बात करें और एक बार हम सिस्टम के थ्रू भी आपको हम लेके दिखाएंगे, तो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट का है और ओवरऑल तो चेंज करने वाला नहीं है, यानी कि ये जो शिफ्ट हो रहा है X1 ये बराबर हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल में कोई चेंज नहीं है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं ये क्या आ जाएगा आपस में बराबर आ जाएगा, ये आपस में बराबर आ जाएगा, तो यहां से अगर हम देखें तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम को अगर हम कॉमन ले लें तो ये एक्स टू आ जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा ओवरऑल एक्स टू, तो ये आपका आ गया एक्स टू और ये इसके बराबर है, तो हम अभी बात किए हैं सी ओ एम सेंटर मास ऑफ सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम नॉट चेंजेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, और सिस्टम का मतलब हो जाता है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, तो ये अगर एक्स वन से आगे शिफ्ट हो रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पीछे शिफ्ट होगा, यानी ये अगर आगे जा रहा है दिस टेंडिंग टू दिस वे
राइट वे, सो दिस टेंडिंग टू लेफ्ट वे. सो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है इन एक्स एक्सिस. सो दिस इज एक्स एक्सिस, तो एफ एक्सटर्नल अगर जीरो है तो सेंटर ऑफ मास सेम होना चाहिए. यानी ये अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ताकि ओवरऑल बराबर होना चाहिए. तो दोनों को ऐसे भी समझ सकते हैं. और अगर एक तो यहां से आ गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो यहां से x2 का वैल्यू सिंपली आपका क्या आ जाएगा, m1 x1 बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m. ये कैपिटल m है और ये आपका स्मॉल m है. तो ये आपका आ जाएगा, एक तो डायरेक्ट यहां से भी आ जाता है. और अगर बात सिस्टम की हम करें, तो इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले लिए, तो ओरिजिन इस बार यहां शिफ्ट हो गया. तो नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि जिस पॉइंट से इधर, ध्यान से देखिए, ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि ओरिजिन से इधर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, पर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा. अगर हम सिस्टम की बात करें, तो यहां से भी आपका डायरेक्ट आ गया. उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, उसके बाद पूछ रहा है कि इसका वेलोसिटी बताइए, हाउ फार, तो कितना फार जाएगा. तो ये डिस्टेंस है और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी इसका बताइए. तो सिंपल सा बात है, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आप लिख सकते हैं. सो कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम. तो इनिशियली मास इसका स्मॉल m है, इसका वेलोसिटी सपोज दैट v है, फाइनल इसके पास जो वेलोसिटी होगा वो सपोज दैट कैपिटल v है. तो ये आपका इनिशियल है, तो इनिशियल l, सो p इनिशियल p फाइनल इसमें हम सिंपली लगा लेंगे, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है, तो ये हम p इनिशियल p फाइनल लगाना सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा. यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सपोज दैट स्मॉल ऑब्जेक्ट है, उसका वेलोसिटी v है, और दूसरे का आपका क्या हो जाएगा, फाइनल में कैपिटल m और उसका वेलोसिटी v है. तो यहां से आपका डायरेक्टली आ जाएगा. और ध्यान से देखिए, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका भी तो v हो जाएगा, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे आ जाएगा. यानी कि इनिशियली उसका वेलोसिटी स्मॉल v है और इसका कैपिटल v ले लेते हैं, एक का स्मॉल v ले लेते हैं, एक का कैपिटल v. तो यहां से दोनों में रिलेशन डायरेक्ट आ जाएगा. तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो यहां से आ जाएगा. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये तो अभी हम बात जितना भी किए वो x एक्सिस की तरफ बात की है. तो यहां से आपका आ जाएगा, एक का स्मॉल v ले लीजिए और एक को कैपिटल v, ये स्मॉल v और दूसरे को कैपिटल v. तो कैपिटल v का वैल्यू यहां से आ जाएगा m1 v1, दैट इज इक्वल टू कैपिटल m v. सो v का वैल्यू आपका आ जाएगा स्मॉल m v बाय कैपिटल m. सो दिस इज योर वैल्यू. तो यहां से आपका आ जाएगा. अभी तो हम बात सिर्फ x एक्सिस की किए हैं, अब हम बात थोड़ा सा y एक्सिस की भी करेंगे. तो एक तो यहां से आपको बात समझ में आ जाती है कि x1 का वैल्यू x2 के टर्म में, ये आपका क्या है x1, और x1 आपका क्या है, तो x1 कितना से शिफ्ट हो रहा है, तो x1 जो है कैपिटल R माइनस स्मॉल r है, जो कि दिख रहा है. सो दैट इज इक्वल टू m1 कैपिटल R माइनस स्मॉल m स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल m प्लस स्मॉल m. सो दिस इज x2. अब अगर इसको हम थोड़ा सा और इजीली वे में अगर हम इसको देखने का कोशिश करते हैं, बाकी तो आप लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लॉ लगा सकते हैं कि इनिशियल सिर्फ इसके पास वेलोसिटी था, मतलब इनिशियली तो दोनों रुका हुआ था, और इसके पास यहां तक पहुंचने, बी तक, पॉइंट बी तक पहुंचते पहुंचते इसके पास वेलोसिटी वी हो जाएगा. सो एम वी, अब फाइनल क्या हो जाएगा, ये भी कैपिटल वी के साथ पीछे आएगा, ताकि ओवरऑल सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे क्या रहे, कंजर्व रहे. तो ध्यान से देखिए, तो m1 v1 m2 v2, तो ये आपका आ जाएगा स्मॉल v का वैल्यू कैपिटल v के टर्म में, हालांकि दोनों v, एक को v ले लेते हैं, एक का v डैश ले लेते हैं, सिंपल सा बात है, ये v है और इसको v डैश ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो. सो वन v अनदर इज v1, तो v1 का वैल्यू आ गया v2 के टर्म में. अब ये हम आगे यूज करेंगे. अब हम थोड़ा सा y एक्सिस की तरफ आ जाएंगे.
तो इसको एक बार और इजिली वे में अगर हम इसको काम करें, सिर्फ सिस्टम की ही बात करें, हालांकि सिस्टम स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों से होके बनता है, और अगर हम सिस्टम की बात करें तो ये एक ही लाइन में आ जाएगा। तो इनिशियल में हम क्या बात करेंगे, अगर हम सिस्टम की बात करें, सिस्टम यानी कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी कि कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड, सेंटर ऑफ मास फिक्स है, सो यहां पे हम लिख सकते हैं एफ एक्सटर्नल दैट इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्सटर्नल यहां पे जीरो है, तो यहां अगर हम बात करें एफ एक्सटर्नल जब जीरो हो जाएगा तो एम वन, तो इनिशियल स्टेज में, अब दो स्टेज है, ये आप समझ लीजिए इनिशियल और ये आपका है फाइनल, एक को आप ओरिजिन ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा, और बात हम कर रहे हैं सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ, सो दिस इज एक्स एक्सिस। तो क्या होगा, इनिशियली बात अगर हम करें तो सिस्टम में यहां पहुंचते जब ए से बी तक पहुंचेगा तो ये तब तक इसका सेंटर ऑफ मास कितना से चेंज करेगा, तो सी ओ एम, सी ओ एम ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास सी ओ एम ऑफ सिस्टम एट व्हेन अ स्मॉल ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी, जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा तब हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा सी ओ एम लेस दिस इज एक्स वन। अब ध्यान से देखिए जब यहां पे पहुंचेगा तो इसके पास एम वन एक्स वन, और जब तक ये यहां तक पहुंचेगा तब इसके पास कुछ भी चेंज नहीं होगा। इनिशियली जब ये यहां तक पहुंचेगा, इनिशियली जब इसके पास ये यहां से यहां तक शिफ्ट हो गया, यानी इसमें जो चेंज आया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आया, तब तक ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा, उसके बाद ये मोशन करेगा। तो कैपिटल एम में जो मोशन होगा यानी कि वो तब तक कोई शिफ्टिंग नहीं दिखाएगा, इनिशियल स्टेज में ये इस पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, तो इसका पोजीशन, इसको अगर ओरिजिन लिए हैं, दिस इज ओरिजिन, पी पॉइंट को ओरिजिन ले रहे हैं, और ये भी यहां से आपका पी पॉइंट ओरिजिन है, तो इनिशियल में क्या है, ये शिफ्ट हुआ, कितना से शिफ्ट हुआ, तो ये शिफ्ट हो गया कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर जो कि एक्स वन डिवाइडेड बाय, तो ये आपका हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। तो ये आ गया इनिशियल स्टेज पे, तो ये हम बात कर रहे थे टी इजकल टू जीरो, टी जीरो नहीं कह सकते हैं इसको जब ये बी पॉइंट पे पहुंचा। अब हम आते हैं फाइनल स्टेज पे, तो एक लाइन में भी इसका हम कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं, सी ओ एम ऑफ सिस्टम, सिस्टम अब यहां पे लिख देते फाइनल, फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा, तो फाइनल पहुंचेगा तो सी ओ एम इसको हम ले लेते हैं, दिस इज एक्स टू, सो अ स्मॉल एम जो कि शिफ्ट तब तक कर चुका होगा एक्स, तब तक क्या होगा एक्स वन से शिफ्ट किया, अब ये क्या है, यहीं पे तो रुक नहीं जाएगा, ये आगे भी जाएगा, सपोज डेट ये आगे जाएगा, यहां पे आके बी पॉइंट पे आके ये रुक तो नहीं जाएगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, ये आगे भी जाएगा। तो जब ये आगे जाएगा, सपोज डेट ये इस पॉइंट पे जाएगा, तो यहां से ये x2, सपोज डेट ये जो है ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, और जो कि ओरिजिन से उस फिक्स पॉइंट से x2 डिस्टेंस पे चला गया, यानी ये इस पॉइंट पे जाके रुक तो नहीं जाएगा, ये आगे जाएगा, यानी कि जब ये फाइनल पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसमें डिस्प्लेसमेंट होना शुरू होगा। तो ध्यान से देखिए x2, तो m1 x2 प्लस कैपिटल m, इसमें भी x2 डिस्प्लेसमेंट होगा ओरिजिन से, तो ये यहां पे जाएगा। अब ध्यान से देखिए डिवाइडेड बाय
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये इनिशियल स्टेज पे था, ये फाइनल स्टेज पे है, तो दोनों क्या होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि एक डायरेक्शन में इधर जाएगा, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। सो नेगेटिव साइन बस इतना कह रहा है कि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग होगा। तो एक जो है इधर है, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ओरिजिन से इधर नेगेटिव है और ये ओरिजिन से राइट साइड शिफ्ट हो गया। तो यहां से दोनों को इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जीरो है, सो नो चेंज इन सेंटर ऑफ मास, नो चेंज इन COM, सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास में चेंज नहीं करेगा, तो यहां से आपका आ जाएगा दिस इज एक्स टू, तो एक्स वन दैट इज इक्वल टू एक्स टू। तो यहां से सिंपली आ जाएगा, यहां से कॉमन ले लीजिए, एक्स टू दैट इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो यहां से ये आपका एक्स टू आ जाएगा, और एक्स टू का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम एक्स वन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। तो ये आपका आ गया, तो x2 का वैल्यू यहां से x1 के टर्म में, और x1 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल R माइनस स्मॉल R। तो ये आ गया आपका वैल्यू। अब हम आते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, वैसे भी आपका आ रहा था, तो एक बार हम फिर सेंटर ऑफ मास से भी दिखा लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट का और कैपिटल ऑब्जेक्ट दोनों से आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, स्मॉल ब्लॉक और कैपिटल ब्लॉक। तो ये बहुत ईजी है, बाकी हम फिर क्या यूज कर लेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये क्वेश्चन पूरा सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है, इसमें रोटेशन का कंसेप्ट ज्यादा हम यूज है ही नहीं। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, अब हम इसमें क्या यूज कर लेंगे, लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट, क्योंकि हमको ये भी बताना है कि वेलोसिटी क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, इनिशियली इसके पास वेलोसिटी, यहां तक अगर बी पॉइंट पे पहुंचा, हर चीज में आपसे ए से बी ही पूछ रहा है, तो ए से बी पॉइंट पे इनिशियल तो सब रुका हुआ है, तो ए से जब बी पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी सपोज दैट वी होगा, सो इसको कहते हैं पी इनिशियल, और ये आपका हो जाएगा पी फाइनल कैपिटल एम। इसके पास जो वेलोसिटी होगा v डैश हो जाएगा, सो v दैट इज इक्वल टू कैपिटल m इंटू v डैश डिवाइडेड बाय स्मॉल m। तो ये आपका आ जाएगा v और v डैश में रिलेशन। अब हम क्या यूज करेंगे, अब हम जितना भी बात कर रहे थे सारा हम x एक्सिस की तरफ बात कर रहे थे, अब हम थोड़ा y एक्सिस में आ जाए, तो y एक्सिस में आ जाए तो पोटेंशियल का चेंज क्या हो रहा है, तो इसको हम एज ए रेफरेंस लेवल, तो ध्यान से देखिए, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, अब ये हम इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे, और ये स्लिप नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसमें रोटेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करेंगे, तो हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब हम इसमें सिंपल सवाल थे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वही क्या हो जाएगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब ये इसके लास्ट पार्ट में हम आते हैं, और उसमें आपसे वेलोसिटी पूछा है कि हाउ फार, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से लॉस करेगा, जब ये इस पोजीशन से इधर आएगा, ये हम सारा वाई एक्सिस में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अब एक्स एक्सिस वाला हम काम कर लिए, अब नीचे आएगा तो कितना से पोटेंशियल इसका लूज करेगा, तो पोटेंशियल से लूज करेगा, मास एम है एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर एम जी एच। तो जो इसमें पोटेंशियल का लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का, वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, सो दैट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू भी आपको पता है, बस वैल्यू पुट कर देना है, सो एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब ये प्रॉब्लम आसान है,
अब इसका वैल्यू आप रख दीजिए, एक का वैल्यू दूसरे के टर्म में, दूसरा का वैल्यू पहले के टर्म में, सो वी डैश को हम यहां से लिख सकते हैं, तो वी डैश आपका हो जाएगा अ स्मॉल बाय कैपिटल इनटू वी, तो इसमें हम रख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस हाफ इनटू कैपिटल एम, तो यहां से बस वैल्यू पुट कर देंगे, सो एम स्क्वायर बाय कैपिटल एम इंटू वी स्क्वायर, तो यहां से आपका आ जाएगा वन बाई टू, वी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो एम यहां से आपका आ जाएगा और यहां से एक एम कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा एम स्क्वायर बाय इंटू वी स्क्वायर, तो अब ये आपका आ जाएगा एम जी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो v का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा v स्क्वायर और यहां से आ जाएगा डिवाइड में आपका आ जाएगा, तो v स्क्वायर इधर ही रखते हैं और डिवाइड में आ जाएगा स्मॉल m प्लस m स्क्वायर बाय कैपिटल m, और इसका हम क्या कर देंगे लास्ट में रूट कर देंगे, तो ये आपका आ गया v का वैल्यू, यानी कि ये वेलोसिटी यानी स्मॉल, लास्ट में आपसे वेलोसिटी भी पूछा है तो वेलोसिटी बी आ गया, सिंपल से बात है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी।